Hello students, welcome to BST class. Guys, as you all know, in last class we discussed about sole trade, form of business and some characteristics of sole trade. बच्चों जो हमारी last class थी उसमें हमने sole trade जो हमारे business की form थी और उसके जो characteristics थे यानी उसके जो features थे उन्हें हमने discuss किया था और हम chapter number first हमारे business studies का पढ़ रहे थे जिसका नाम था concept of business, जिसमें हमने देखा था कि actual में business क्या होता है या business कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर हमने बिजनेस की फॉर्म्स को शुरू किया था और फॉर्म्स में हमने डिस्कस किया था कि सोल ट्रेड बिजनेस एक्चुअल में है क्या और सोल ट्रेड बिजनेस के फीचर. आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि सोल ट्रेड के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. यानी कोई पर्सन अगर सोल ट्रेड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू कर रहा है वो अकेला ही, तो उसके क्या फ़ायदे उसको हैं यानी क्या उसको एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं आज हम वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो सोल ट्रेड के बारे में एक बार छोटा सा ओवरव्यू रिवाइज कर लेते हैं कि एक ऐसा बिजनेस जिसे एक पर्सन ने शुरू किया है वही उसका ओनर है, वही उसका मैनेजर है, सब कुछ पूरा कंट्रोल उस बिजनेस का उसी के पास है. तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं, उनको हम शुरू करते हैं. तो पहला जो एडवांटेज है हमारा वो है ईजी इन्फॉर्मेशन एंड क्लोजर. एक सोल ट्रेड बिजनेस को शुरू करना और बंद करना बहुत आसान है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे किसी एक्ट की या किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत आपको नहीं होती. तो इजी इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर. सेकंड वन इज फास्ट डिसीजन. जब सोल ट्रेड बिजनेस है तो अकेला ही कोई पर्सन है जो ओनर है उसका, तो डिसीजन लेने वाला भी वो अकेला ही है. तो डिसीजन क्या होंगे? फास्ट होंगे. जब दो या दो से ज्यादा लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं तो फिर म्यूचुअल कंसेंट से हर बात का इवैल्यूएशन करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, मगर सोल ट्रेड के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ जो डिसीजन है वो फास्ट है, आपको फास्टली डिसीजन लेने है क्योंकि डिसीजन लेने वाले आप खुद अकेले हो. डायरेक्ट मोटिवेशन. अगर बिजनेस चलता है, बिजनेस ग्रोथ करता है या फिर आपका जो भी है आप किसी काम को करना चाहते हो और उसके लिए आपका इंटरेस्ट है तो आपको डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है. आप उससे डायरेक्ट मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो. आप ऐसा नहीं कि किसी और को देख के आगे चोर. अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप मेहनत करो तो आपको लगे हाँ यार मैंने इतना अच्छा किया, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट आपको मोटिवेशन मिलता है. या आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होते हैं. जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन भी लोगों से आप जुड़ते हो, वो सब क्या होते हैं यहाँ पे? पर्सनल होते हैं. तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं. सोल प्रॉफिट. प्रॉफिट की सबसे अच्छी बात है, आपने अकेले ने शुरू किया, आपने अकेले ने पैसा लगाया है, तो जो भी प्रॉफिट है वो आपको अकेले को ही होने वाला है. सेल्फ कॉन्फिडेंट. बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है यहाँ पे. डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज. जब कोई सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर जब कोई सोल ट्रेड बिजनेस को शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज होती है बिजनेस को करने की, बिजनेस को चलाने की, वो सब क्वालिटीज यहाँ पे क्या होती है? अपने आप ही डेवलप होती है. टैक्स एडवांटेज. और उसको सबसे बड़ा फायदा किसका मिलता है? टैक्स एडवांटेज का. जो सोल ट्रेड बिजनेस होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के कंपैरिजन किया जाए तो सोल ट्रेड के अंदर टैक्स के एडवांटेजेस हैं. आपको टैक्स कम देना पड़ता है गवर्नमेंट को. एक सोल ट्रेड, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करने के ये एडवांटेजेस हैं. चालू करना और बंद करना आसान है, डिसीजन फास्ट है क्योंकि एक ही पर्सन डिसीजन लेगा, मोटिवेट डायरेक्ट होगा, खुद के डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे, प्रॉफिट भी अकेले को मिलना है, बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, पर्सनल क्वालिटीज का डेवलपमेंट होता है और कहीं ना कहीं आपको टैक्स में एडवांटेज मिलने वाला है. अब इस सोल ट्रेड बिजनेस के कुछ डिसएडवांटेजेस में देखो, एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज ऑब्वियसली है कि होंगे. सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर कोई नुकसान होता है यानी कोई लॉस होता है या फिर अगर कोई अदर एक्सपेंसेस आते हैं तो उन सबकी लायबिलिटी किसकी होगी? उस अकेले सोल ट्रेड की होगी. फॉर एग्जांपल कंपनी को 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, अगर पार्टनरशिप होता तो 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर है वो आपस में मिलकर शेयर कर लेते, मगर यहाँ अकेले को अगर 2 लाख का लॉस हो रहा है तो उस अकेले को ही बियर करना पड़ेगा. तो लायबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड है. लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल. अब यार कोई अकेला बंदा अगर बिजनेस को शुरू कर रहा है तो कितना पैसा लगा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल अमाउंट है वो कैपिटल अमाउंट क्या है आपके पास? कम है. यानी लिमिटेड सोर्स है किसके? आपके कैपिटल के. क्लियर है? लिमिटेड क्रेडिट. आप किसी से उधार भी लोगे या आगे उधार करके लेके अपने बिजनेस को चलाओगे तो वहां पे जो क्रेडिट है वो भी क्या है? यहाँ पे
लिमिटेड है। हार्म ड्यू टू एब्सेंस, आपकी गैर मौजूदगी में या आपका अपने बिजनेस पे नहीं होने से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को और आपके आपको हार्म होगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, एक बड़े बिजनेस के लिए, बड़ा अगर आपको कोई बड़ी फैक्ट्री या कुछ भी ओपन करना है तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि अकेला बंदा कितना कुछ करेगा, कितना क्या मैनेज करेगा, सारी चीज़ हैं। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स, हो सकता है आप जितना सोच रहे हो और आपने सोचने समझने की क्षमता है उतनी ही आपकी है, मगर जब दो या दो से ज़्यादा लोग बैठते हैं किसी चीज़ पर सोचते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाती है, यहाँ पर मैनेजमेंट की स्किल्स कम है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अगर आप हो तो बिजनेस है और आप नहीं हो तो बिजनेस नहीं है। तो कुछ डिसएडवांटेज, जैसे क्या लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है यहाँ पे, भैया आपको ही चुकानी है क्योंकि आप अकेले हो। लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। लिमिटेड क्रेडिट, आपके पास उधार भी कम होगा। हार्म ड्यू टू एब्सेंस, आपकी गैर मौजूदगी की वजह से नुकसान हो सकता है। लार्ज बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, मैनेजमेंट स्किल्स भी लिमिटेड होगी और बिजनेस की लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सोल ट्रेड बिजनेस जो पढ़ा था हमने, जिसके फीचर्स थे, उन फीचर्स के बेसिस पे कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ आपके सोल ट्रेड के डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आप सभी को सोल ट्रेड के फीचर्स, सोल ट्रेड के एडवांटेजेस, सोल ट्रेड के डिसएडवांटेजेस क्लियर हुए होंगे। बच्चों जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारे बिजनेस की सेकंड फॉर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। वहाँ हम जानेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो पार्टनरशिप पे बेस्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।